प्रिय श्रोताओं, आज के इस अध्याय में हम जानने वाले हैं कि कलयुग का अंत करने वाले कलिक अवतार भगवान का जन्म कैसे होगा और कब होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूजफुल जानकारी की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको हमारी सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें हम हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही अनसुनी रोचक जानकारियों को समय समय पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो की ओर चलते हैं और जान लेते हैं कि कल्कि अवतार का जन्म कैसे होगा और कब होगा। कल्कि पुराण के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में ही भगवान ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह धर्म ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाता है, उसी प्रकार अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही एक पुत्र है। उसी अधर्म के वंश में कलि की उत्पत्ति हुई थी। इस पृथ्वी लोक से श्री कृष्ण के जाते ही कल्कि का आगमन हो गया था, और इसी कारण से श्री कृष्ण भगवान के बाद इस युग को कलयुग कहा जाता है। जब कलि के कारण अधर्म अपनी परम काष्ठा पर होगा और इस पृथ्वी लोक से धर्म का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, तब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि भगवान विष्णु जी के धाम जाएंगे और उनसे अवतार धारण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय श्रोताओं, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु इन सभी देवी देवताओं को यह वचन देंगे कि वह संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे और अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर इस विनाशकारी कलयुग का अंत कर देंगे। उस समय श्री हरि भगवान विष्णु अपना वचन पूर्ण करने के लिए संभल ग्राम में जन्म लेंगे और उनकी पत्नी श्री देवी लक्ष्मी भी सिंहल द्वीप के राजा देवव्रत के घर जन्म लेंगी। श्री हरि भगवान विष्णु के साथ अन्य देवता भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करेंगे। दोस्तों, उस समय मरु नाम के एक सूर्यवंशी राजा और देवापी नाम के एक चंद्रवंशी राजा भी जन्म लेंगे, जो श्री भगवान कल्कि की शरण में रहकर इस पृथ्वी लोक का पालन करेंगे। जिस समय भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब वह चतुर्भुजाओं में ही होंगे और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर वह दो हाथों वाला मनुष्य रूप धारण करेंगे। उस समय उनकी माता और पिता भी उनकी माया को समझ नहीं पाएंगे, और उस समय स्वयं भगवती देवी अंबिका भगवान कल्कि का नाल छेदन करेंगी और देवी गंगा अपने पवित्र जल से उनके गर्भ को साफ करेंगी। उस समय महाषष्ठी धात्री भगवान की धात्री होंगी और देवी सरस्वती भगवान के शरीर का मार्जन करेंगी। सभी दिशाओं में भगवान का उत्साह होगा और आकाश मार्ग से सभी देवता पुष्प की वर्षा करेंगे और स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करेंगी। दोस्तों, इसी प्रकार भगवान कल्कि का इस पृथ्वी लोक पर जन्म होगा और अपने हाथों के द्वारा इस विनाशकारी कलयुग का अंत करेंगे। प्रिय श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अन्य जानकारियों की तरह ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता रहेगा और हम आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी को ढूंढकर लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए।